अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वकास है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल फिशरी सी फूड। अच्छा जी, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज की वीडियो ब्लैक पम्फलेट के हवाले से। अच्छा, पहले मैं आपको बता दूं, उर्दू में इसको ब्लैक पापलेट कहते हैं, मशहूर ज़माना। इंग्लिश में लोग इसको ब्लैक पम्फलेट कहते हैं, पम्फलेट नहीं होता, एंड में टी साइलेंट होता है, तो ब्लैक पम्फरे होता है, पम्फरे। अच्छा, अब आ जाए इसकी खासियत पे। ये देखें, सबसे पहले ताज़ी मछली की पहचान, आपने मुंह से पकड़ी मछली बिल्कुल लटक नहीं रही, तो ये तो हो गई ताज़ी मछली की पहचान कि मछली कड़क होनी चाहिए। ये देखें, गलफड़े से इसका फ्रेश ब्लड भी निकल रहा है, तो ये ताज़ी मछली। प्लस जो लोग स्केल वाली मछली खाते हैं, इस पर स्केल भी होते हैं। दूसरा, इसकी जो अब खासियत पे आ जाए। अच्छा, मुझे इसकी सबसे बड़ी खासियत ये लगती है कि अगर ये 1000 रुपये किलो है और आप का बजट 800 रुपये किलो है, तो 800 में जो मछली आप ले रहे हैं इसके अलावा कोई, उसमें क्या होता है कि तकरीबन पर केजी तकरीबन 300 ग्राम वेस्टेज आता है। और अगर आप ये महंगी होने की वजह से छोड़ रहे हैं, तो ये वही हिसाब पड़ता है, क्योंकि इसका मुँह बहुत ज़्यादा छोटा होता है, वेस्टेज इसमें बिल्कुल ना होने के बराबर होती है। तो 800 वाली मछली और 1000 रुपये की ये पापलेट, ये दोनों बराबर है अगर आप गोश्त के हिसाब से बात करें। अच्छा, जायका इसका बड़ा, गोश्त जो है वो जूसी टाइप का होता है, लेस वाली मछली है। मेन चीज़ इसमें ये है कि इसका गोश्त टूटता नहीं है, क्योंकि बहुत कम मछलियाँ हैं सख्त और जायके वाली, ये उनमें से एक है। सख्त नहीं है लेकिन गोश्त टूटता नहीं है, हीरे वीरे से बेहतर है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप धोधर ले लें, वो भी बाकी मछलियों से हार्ड है लेकिन उसका जायका बहुत अच्छा है। अच्छा, इसके पीस बहुत अच्छे बन जाते हैं, आप इसको सालन में भी बना सकते हैं, बिरयानी में या फ्राई, तीनों चीज़ों के लिए परफेक्ट है, टूटती नहीं है। और दूसरा ही इसका फ़ायदा, वेस्टेज ना होने के बराबर है, और तीसरा जायका इसका बहुत अच्छा है। अच्छा, इसकी खासियत पे आ जाएं, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन B12, विटामिन A और D अच्छी मकदार में पाया जाता है। विटामिन B12 और ओमेगा 3, आपको पता है, जैसे मैं पिछली वीडियोस में बताता रहता हूँ, कि दिल की बीमारियों को रोकता है, फालिज के अटैक के खतरात को कम कर देता है, और आपकी स्किन और आँखों की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। अच्छा, इसमें जो ओमेगा 3 है, उससे जो आपकी जो वेन्स होती हैं उसमें ब्लड सर्कुलेशन को भी ये अच्छा करता है, ब्लॉकेज को रोकता है, तो उस हवाले से भी ओमेगा 3 बहुत अहम किरदार अदा करता है। तो ये कुछ खासियत हैं ब्लैक पापलेट की। ब्लैक पापलेट खाएं, बल्कि मछली खाएं, मुर्गी ना खाएं, मुर्गी बिल्कुल फ़ायदे के बजाय आपको उल्टा एक नुकसान दे रही है। तो अगर आप मछली खा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ महंगी मछली खाएं, सस्ती मछलियों में भी उतनी एक ताकत, उतने विटामिन और जो दूसरी इसकी खासियत है वो आप ले सकते हैं। मछली 300-400-500 रुपये की भी मिलती है। तो सी फूड की आदत बनाएं, कराची जैसा कोस्टल सिटी और हम लोग सी फूड नहीं खाते, ये अजीब सी बात है। बाकी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला।